अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आज नामांकन पत्र प्रस्तुत किया। आप सोचते होंगे कि अनूप नाग को निर्दलीय प्रत्याशी बनने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो मैं इस विषय पर इतना जरूर कहना चाहता हूं, मेरे अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र में मैंने 5 साल बड़े ईमानदारी से काम किया, विकास के काम, जनता के जो एक उम्मीदवार से अपेक्षा रहता है उसके अनुसार ही मैंने काम करने का प्रयास किया। और सभी तरफ मैं देखता था, सुनता था कि देश आज़ादी के बाद ये 15 साल के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद कोई एक जनप्रतिनिधि आया जो गांव गांव विकास की छाप छोड़ा है, जनता की आवाज़ थी। मैं भी बड़ा आशान्वित था, मैं भी प्रफुल्लित हो जाता था, सोचता था कि वास्तव में कुछ काम किया है, तभी मेरे जनता मुझे ऐसा कह रही है। अब जब ऐसे फीडबैक आने लगे तो मैं आशान्वित था कि आगामी वर्ष 2023 के चुनाव में मुझे टिकट मिलेगा। और फार्म भरा है और आज अंतिम दिवस है। आप देखे होंगे आज मेरे विधानसभा क्षेत्र की एक जन सैलाब मेरे साथ उमड़ आया है, उनको देखकर मेरे और हौसले बढ़ गए हैं। लगता है उनका प्यार जैसे 18 में मिला, ये 23 में भी मिलने वाला है। और एक जवाब देना चाहती है जनता कि हमारे अच्छे काम करने वाले जनप्रतिनिधि के साथ अन्याय हुआ है। सर, आपने नामांकन दाखिल कर दिया है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, तो क्या आप कांग्रेस को आप अपना रिजाइन देंगे? नहीं मानते। एक तरफ 15 साल का मंत्री सांसद 14,000 से पराजित किया जनता की आशीर्वाद से, और आज जो प्रत्याशी बनाया गया है, आज जो प्रत्याशी बनाया गया है, एक छोटा सा गांव बारदा का सरपंच के चुनाव करीब 600 वोटों से हारता है, कैसा ये मापदंड है, कैसा ये तुलना है? ये सवाल का जवाब मैं आप से करता हूँ, आप ढूंढिए। आपका टिकट कैसे कटा, किन्होंने काटा, आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी में कोई नेतृत्व में कोई नेता है, कौन है, क्या लगता है आपको? अगर मैं कहूँगा तो यही बातें आएंगी कि ये टिकट नहीं मिला इसलिए बढ़ा चढ़ा कर बात कर रहे हैं। आज जो मेरे साथ जन सैलाब आया है, गांव गांव से, सुदूर अंचल से, कभी कल्पना नहीं किया जा सकता कि ऐसे गाँव के हमारे भाई बहने आई हैं, क्या नारा लगा रहे हैं, जरा उन पर गौर करिएगा। इस सवाल का जवाब आपको सर भूपेश जब आए थे, मंत्री जी आए थे तो उनका कहना था कि काम लेना अलग बात है, चुनाव लड़ना अलग बात है, तो उनका कहने का इशारा ये था कि आप धीरे से वापस ले लेंगे या मान जाएंगे। मैं अगर ऐसा नहीं हुआ, एक तरफ मैं सोचता था कि मैं 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहे कद्दावर नेता माननीय विक्रम उसेंडी जी मंत्री भी रहे, प्राधिकरण में उपाध्यक्ष भी रहे, सांसद भी रहे, उन्हें क्षेत्र की जनता के माध्यम से हम पराजित किए और रिकॉर्ड मतों से 14,000, जो आज तक ऐसा मत का आंकड़ा नहीं था, अगर वो 3 बार के आंकड़े को भी अगर योग करें तो भी 14,000 नहीं होता, ऐसे मार्जिन से जनता के आशीर्वाद से मैंने जीता। यह भी मेरे हौसलों को बुलंद करने वाला रिजल्ट था। परंतु ऐसा जो अभी कांग्रेस पार्टी के द्वारा सूची जारी हुआ बहुत आहत पहुंचाया मुझे, क्षेत्र की जनता भी इस निर्णय से आहत हुए। 3 दिन, यकीन नहीं होगा आपको, 3-4 दिन तक लगातार मुझे जनता की फोन आने लग गए, ये हो क्या गया, कैसा हो गया, हम तो ऐसा सोच रहे थे, मगर मैं क्या बताऊं, कैसे कहूं, उनसे रहा नहीं गया, उनके द्वारा कहने लगा गया कि आप के साथ अन्याय हुआ, आपके साथ छल कपट हुआ है, आप चुनाव लड़िए, हम तुम्हारे साथ हैं। उनकी इसी भावनाओं को कदर करते हुए मैंने ये जनता के भावनाओं के कारण मैंने ये निर्णय लिया है, मगर ऐसा नहीं हुआ। एक तरफ मैं सोचता था कि मैं 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहे
कद्दावर नेता माननीय विक्रम उसेंडी जी मंत्री भी रहे, प्राधिकरण में उपाध्यक्ष भी रहे, सांसद भी रहे, उन्हें क्षेत्र की जनता के माध्यम से हम पराजित किए और रिकॉर्ड मतों से 14,000, जो आज तक ऐसा मत का आंकड़ा नहीं था, अगर वो तीन बार के आंकड़े को भी अगर योग करें तो भी 14,000 नहीं होता। ऐसे मार्जिन से जनता के आशीर्वाद से मैंने जीता, ये भी मेरे हौसलों को बुलंद करने वाला रिजल्ट था। परंतु ऐसा जो अभी कांग्रेस पार्टी के द्वारा सूची जारी हुआ बहुत आहत पहुंचाया मुझे, क्षेत्र की जनता भी इस निर्णय से आहत हुए। तीन दिन, यकीन नहीं होगा आपको, 3-4 दिन तक लगातार मुझे जनता की फोन आने लग गए, ये हो क्या गया, कैसा हो गया, हम तो ऐसा सोच रहे थे, मगर मैं क्या बताऊं, कैसे कहूं, उनसे रहा नहीं गया, उनके द्वारा कहने लगा गया कि आप के साथ अन्याय हुआ, आपके साथ छल कपट हुआ है, आप चुनाव लड़िए, हम तुम्हारे साथ हैं। उनकी इसी भावनाओं को कदर करते हुए मैंने ये जनता के भावनाओं के कारण मैंने ये निर्णय लिया है। 14,000 से जीतने वाला प्रत्याशी एक तरफ और सरपंच का चुनाव हारने वाला 600 प्रत्याशी एक तरफ, जनता देख रही है, जनता देख रही है, चारों तरफ से ये आवाज आ रही है, ये कौन है, चुनाव जीत जाते हैं तो लास्ट में जाएंगे, किस पार्टी में जाएंगे, भविष्य के जो गर्त में है वो सवाल कृपया ना करें। आप अपना प्रतिद्वंदी जो है कांग्रेस के उम्मीदवार को ही देख रहे हैं, बीजेपी को नहीं देख रहे हैं क्या, जैसा आप बता रहे हैं कि उनसे जो है जो मैं ऐसा कहां कहा, टक्कर किसके, मैं ऐसा कहा ही नहीं, मैं किसी को कमजोर आंख भी नहीं रहा। अच्छा, तो संघर्ष है। मंतू राम जी जो कह रहे हैं उसका क्या कहना है आपका, कि आप नाम तो वापस ले लेंगे करके, इंतजार करिए रिजल्ट कब निकलने वाला है, 23 तक का इंतजार। बयान आ रहा था कि इन्होंने आपने इनका वापस करवा दिया है और मतलब पद से हटवा दिया है, परल कोट पखांजूर अंतागढ़ तरफ का मामला है। अच्छा। तरह तरह की कई बातें निकलती हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी किस भावनाओं से किस आधार पर ऐसे कह रहे हैं मैं उस पर ज्यादा जाना नहीं चाहता, मगर उसी पीरियड मुझे ये सवाल किया गया कुछ लोगों के द्वारा कि अंतागढ़ विधानसभा बड़ा सुर्खियों में रहने वाला अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र है, कहीं आप, मैं क्षमा भी चाहता हूं माननीय मंतूराम जी से, उनके सवाल मेरे ऊपर दागे गए कि उनके जैसे तो आप नहीं करेंगे, ऐन वक्त पर छोड़ेंगे तो नहीं, तब मैंने कहा था ये अनुपनाग है, मगर उसको भी बढ़ा चढ़ा कर बात कहा। अभी मंतूराम जी आए थे, उनका खुद का कहना था कि अनुपनाग देर सवेर वापस लेंगे नाम, वो कांग्रेस के दबाव में, अब उनका ही कहना, अब क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं शुरू से कह रहा हूँ, मैं किनके प्रेरणा से ये चुनाव लड़ रहा हूँ, किस भावना से चुनाव लड़ रहा हूँ, कभी वापस नहीं। आपने अंतागढ़ विधानसभा में कांग्रेस की नींव हिला दी है, ब्लॉक अध्यक्ष ऐसा मेरे साथ तो कोई बात नहीं है, मगर जरूर एक दिन फोन में हमारे बॉस है, हमारे सम्माननीय है, उन्होंने जरूर कहा कि जैसा भी आप कह रहे हैं कि आपके साथ अन्याय हुआ है, तो मैंने यही कहा इसी के लिए मैं ये लड़ाई लड़ रहा है। आपका टिकट प्रदेश की राजनीति, जो कांग्रेस की राजनीति है उसमें गुटबाजी है, उसके कारण तो नहीं काटा गया, आगे आगे देखिए रिजल्ट क्या है, क्यों ऐसा हुआ, अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र की ही बात पर क्यों सवाल कर रहे हैं आप, पूरे छत्तीसगढ़ के हाथ में बात करिए ना, क्या हो रहा है आज, तो अंतागढ़ से एक शुरुआत हुआ है, देखिए आगे क्या होगा। मीडिया जानना चाह रही है कि कौन नेता है जो शुरुआत कर रहे हैं, जिम्मेदार टिकट काटा गया है, इसको लेकर जी कौन नेता है, 25 विधायकों का टिकट काटा गया है, वो भी मेरे जैसे उनका भी दुर्भाग्य है, उनका भी एक दुर्भाग्य पार्टी के यहाँ फोन है।